ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट होती है कि जैसे पूरे मंथ का, पूरे ईयर का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, हमारे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को जो दिखाता है, ऑर्डरली जो कंप्लीट हमारा फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है पूरे ईयर की, उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। इसको हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स ऑफ अ बिजनेस, विच शोज द एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। सो हम डेफिनेशन लिखेंगे, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, is a statement which shows the assets, liabilities and capital on a particular date. Amount owed by the business. और जितने
एसेट्स है वो क्रेडिट साइड नोट की जाती है और जो लायबिलिटीज है वो डेबिट साइड नोट की जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसके यूजेस क्या क्या है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमने क्यों बनाई है, इसको बैलेंस शीट किस लिए बोलते थे, क्योंकि ये प्रिपेयर की जाती है एक लेजर फोलियो लेके, शीट ऑफ लेजर फोलियो के ऊपर प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद यूजेस क्या क्या है बैलेंस शीट के, जो बैलेंस शीट है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है टोटल मनी का, जितना मनी इन्वॉल्व हुआ है, कंप्लीट मनी इन्वॉल्व की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है बिजनेस की एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है जितना मनी इन्वॉल्व हुआ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट द टोटल मनी इन्वॉल्व। सेकेंड क्या करती है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है बिजनेस की ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है। थर्ड आता है हमें इंफॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग द नेचर एंड कॉस्ट ऑफ फर्म, एसेट्स ऑफ फर्म, यानी कि एसेट जो हमारा फर्म है, जो हमारा बिजनेस है, उसमें कितना एसेट्स है, उसके रिगार्डिंग हमें कितना उसको किस टाइप का एसेट्स आया हुआ है और उसका कॉस्ट क्या है, तो उनका सबकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। एंड प्रोवाइड करवाती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज, एसेट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, लायबिलिटीज जो हमारे बिजनेस के अंदर लगी हुई है, ठीक है। ये इसके यूजेज है बैलेंस शीट हमने क्यों प्रिपेयर की। उसके बाद प्रिपरेशन कैसे होती है बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, उन सभी अकाउंट्स के नाम आते हैं, जैसे कि अकाउंट्स एसेट्स का हो गया, लायबिलिटीज का हो गया, ओनर इक्विटी का हो गया, इस तरह के सारे अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट जितने भी कैपिटल एंड लायबिलिटीज है वो सारे आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे कैपिटल एंड लायबिलिटीज नोट की जाती है। जैसे से रिलेटेड अकाउंट्स हो गए, बिल्स वगैरह हो गए, तो वो सारे करंट एसेट्स होते हैं।
आता है फिक्स्ड एसेट, सेकंड इज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? जैसे जो लंबे समय तक हमारे जो इन्वेस्टेड रहते हैं, जैसे बिल्डिंग्स ले ली, कोई किला लेके रख लिया या फिर कोई प्लॉट लेके रख लिया, तो वो सारे फिक्स्ड एसेट्स हो गए। उनको हम कह सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस होते हैं। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस। फॉर एग्जाम्पल लैंड ले ली, या फिर बिल्डिंग्स हो गई, या फिर मशीनरी होगी, ये सारे क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? मैंने जो कैश से रिलेटेड जितना भी अमाउंट होता है, कैश से रिलेटेड जितने भी होते हैं, वो सारे करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो लॉन्ग टर्म बेसिस होते हैं, जिनको हम आगे कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अगले फ्यूचर के अंदर। फिर आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होगी? जैसे वो लायबिलिटीज जो बिजनेस रिलेटेड होती है, जिनको हम एक मंथ, एक ईयर के अंदर अंदर हम क्लियर कर सकते हैं। दोस लायबिलिटीज व्हिच कैन बी क्लियर्ड इन वन, विद इन वन ईयर, कैन बी क्लियर्ड विद इन अ ईयर, जो एक साल के अंदर अंदर हम क्लियर कर सकते हैं, वो होती है करंट लायबिलिटीज। मतलब एक साल के अंदर, जैसे कोई पॉलिसी ऐसी होगी कि एक साल के अंदर वो मेच्योर हो जाती है, फिर हम उसको निकलवा सकते हैं, कैश के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो वो हो गई हमारी करंट लायबिलिटीज। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट उससे पहले हमारे पास है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फोर्थ है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन सी होंगी? जिनको जो मैच्योर हो जाती है कुछ टाइम के बाद, जैसे परमानेंटली मैच्योर हो जाती है, जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद परमानेंटली मैच्योर हो जाती है। जैसे LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, वो कहती है कि 5 साल के बाद आप इतने पैसे इन्वेस्ट करो, तो 5 साल के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो वो क्या है? एक लॉन्ग टर्म है, पीरियड ऑफ टाइम तो ज्यादा है और वो मैच्योर भी हो रही है, तो क्या हो जाती है ये मैच्योर। और उसके बाद फिर हमें उसको कुछ फिल करना नहीं पड़ता, तो हमें जो हो जाती है फॉर परमानेंट। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट्स के थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं। फिफ्थ आता है इन्वेस्टमेंट। जितने भी हम गवर्नमेंट के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, फंड्स हो गया, फंड्स इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, या फिर जो जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होती है, अगर हम खुद के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारे इन्वेस्टमेंट्स के अंडर आती है। जैसे कि, और ये क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर एट ए कॉस्ट प्राइस पे नोट किया जाता है। जितने भी फंड्स इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट्स, वो सारी इन्वेस्टमेंट होगी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सेक्टर। और ये क्या है, एट, ये नोट की जाती है एट ए कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैलेंस शीट। ठीक है, देन हमारे पास आता है कैपिटल्स क्या होते हैं। फिर नोट होता है कैपिटल, अब कैपिटल क्या होते हैं, मैंने पहले कहा था कैपिटल जितना भी एक्सेस है फर्म का, मतलब ये तो ओनर से जो शेयर कर रहा है उससे रिलेटेड है, तो जितना भी एक्सेस है फर्म एसेट्स का ओवर इट्स लायबिलिटीज, वो होता है हमारे पास कैपिटल। एक्सेस ऑफ फर्म ओवर इट्स ऑफ एसेट्स ओवर इट्स लायबिलिटीज। तो वो होता हमारे पास कैपिटल। जैसे अगर हमें कैपिटल नोट करना हो, तो हम कैसे नोट करेंगे? कैपिटल इक्वल होता है एसेट्स इक्वल होता है लायबिलिटी।
ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होगी, जितना भी हम एक्सपेंसेस करते हैं, जितना भी हम खर्च करते हैं, जितना भी हम निकालते हैं बैंक से अपने खुद के खर्चे के लिए, वो सारी होगी ड्रॉइंग्स के अंदर। ये हम कह सकते हैं सम ऑफ मनी ऑफ और गुड्स ड्रॉन, जो हम मनी का सम, या तो सम ऑफ मनी जितना भी पैसा हमने खर्च किया है, या फिर गुड्स जितना भी सामान विड्रॉल, तो वो हो गया हमारे पास ड्रॉइंग्स। वो होता है हमारे पास ड्रॉइंग्स, यानी कि जो हम खर्चा कर रहे हैं वो ड्रॉइंग्स होगी। उसके बाद आता है ग्रुपिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ग्रुपिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ग्रुपिंग, ये मेनली बेस्ड करता है टू फैक्टर्स पे, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या आएगा, वो कैश जो कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अमाउंट, वो सामान जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है, जो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या होता है, ऊपर वाले का रिवर्स, यानी कि हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसी चीजें हम खरीद लेते हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो आ जाएगा अंडर ऑर्डर ऑफ परमानेंस। उसके बाद देखो एसेट्स है जो हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एसेट्स टू टाइप्स के हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स कौन से होंगे, टेंजिबल एसेट्स आगे होते हैं फिक्स्ड, टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, टेंजिबल एसेट जिनको हम टच कर सकते हैं, टच मतलब कि उनको अगर हम जैसे कोई चीज है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, या फिर कोई चीज जिसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा टेंजिबल अमाउंट के अंदर। उसके अंदर आता है फिक्स्ड और करंट। फिक्स्ड मतलब कि वो सब फिक्स होता है कि इतना ही रहेगा प्राइस, और करंट आता है कि चेंज होता रहता है, जो अकॉर्डिंगली नेचर और उससे नेचर के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। इंटेंजिबल अकाउंट जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल हो गया, इक्विटी हो गया, तो उनको हम टच नहीं कर सकते, किसी के नेचर को हम कैसे बता सकते हैं कि वो कैसा है, कितने कितने प्राइस का, हम उसको ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते ना, तो वो सारा हो गया इंटेंजिबल। तो इसमें आ जाएगा गुडविल होगी, नेचर हो गया, इक्विटी होगी, तो वो सारे इंटेंजिबल अकाउंट के अंदर। उसके बाद आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आगे प्राइस की होती है करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट। करंट, लॉन्ग टर्म, कंटिंजेंट, ये आगे थ्री टाइप्स के होते हैं। करंट क्या होता है, जिसको हम विद इन वन ईयर पे ऑफ कर सकते हैं, पे ऑफ विद इन वन ईयर, एक साल के अंदर अंदर हम उसको निकाल सकते हैं, जितना भी पैसे उसको हम निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म क्या होता है, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है, वो होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कंटिंजेंट क्या होता है, जो पता नहीं फ्यूचर के अंदर हमने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया कि पता नहीं फ्यूचर के अंदर वो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, तो कंटिंजेंट क्या होता है, मे और मे नॉट बी परमानेंट या फिर अराइज इन फ्यूचर, ये होगा हमारे पास लायबिलिटीज। उसके बाद फॉर्मेट कैसे होता है बैलेंस शीट का, फॉर्मेट कैसे होता है बैलेंस शीट का, सबसे पहले आती है लायबिलिटीज, उसमें अमाउंट, यहां पे आएगा लायबिलिटीज,
अमाउंट इन रुपीज एंड अमाउंट इन रुपीज। तो इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है। यहाँ पे जितना भी लायबिलिटीज है वो सारी यहाँ डेबिट साइड नोट की जाती है और जितने भी एसेट्स है वो क्रेडिट साइड नोट किए जाते हैं। तो लायबिलिटीज नोट करके हम यहाँ पे निकालते हैं टू नेट लॉस या फिर नेट गेन या नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे भी लिखते हैं हम टू नेट गेन या नेट लॉस बाय नेट लॉस। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मेट। इसका सिर्फ फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है बैलेंस शीट का। उसके बाद देखो डिफरेंस क्या क्या है बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस। देखो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो चेक किया, वो प्रिपेयर किया जाता है टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, और जो बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल पोजीशन को नोट करने के लिए चेक बनाई जाती है, और जो ट्रायल बैलेंस है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी तरह के अकाउंट से, मतलब जितने भी अकाउंट होते हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस में। बट जो बैलेंस शीट है वो एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल से ही बनती है। फिर जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या होता है, वो कभी भी हम उसको बना सकते हैं, एनी टाइम हम उसको बना सकते हैं, बट बैलेंस शीट को एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, या फिर जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है उसको उसी टाइम तैयार किया जाता है बैलेंस शीट को। उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस है उसमें क्या होते हैं डेबिटेड बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंस होते हैं, दोनों साइड दिखाए जाते हैं, बट जो बैलेंस शीट है उसके अंदर ट्रायल लायबिलिटीज और एसेट्स दिखाए जाते हैं। जितने भी टाइप के अकाउंट्स हैं वो सारे ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं, बट इसके अंदर बताया मैंने अभी कि एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल्स वाले अकाउंट ही आते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक होता है, वो ट्रायल बैलेंस में हम शो करते हैं कि कितना ओपनिंग स्टॉक था। बैलेंस इन हैंड जो कैश इन हैंड आता था वो हम लिखते थे ट्रायल बैलेंस में, और जो लायबिलिटी इसके अंदर है बैलेंस शीट के अंदर उसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक में दिखाते हैं कितना ओपनिंग स्टॉक है एसेट साइड पे कितना लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी दिखा सकते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, बट बैलेंस शीट के अंदर हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिखा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी नहीं होता कि अगर अगर जरूर अगर लगता है कि चाहिए तो बनाना, नहीं तो चल जाएगा काम, बट बैलेंस शीट बनाना जरूरी होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए। एक अकाउंटिंग पीरियड का बैलेंस शीट बनाना तो जरूरी होता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस है जो कोर्ट से रिकॉग्नाइज नहीं होता, बैलेंस शीट कोर्ट से रिकॉग्नाइज होती है। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट से बनते हैं, बट जो बैलेंस शीट है वो बनती है रियल अकाउंट से। ठीक है, जो रियल अकाउंट होते हैं मैंने तीन टाइप के अकाउंट बताए थे, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है एंड जो बैलेंस शीट है वो रियल अकाउंट के अंदर आती है। एम क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कितना गेन हुआ कितना लॉस हुआ वो सब कुछ बताना, बट जो बैलेंस शीट का एम है मेन एम वो फाइनेंशियल पोजीशन बताना होता है कि कितना फायदे में चल रहा है हमारा भाई बिजनेस। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी एंट्रीज लेजर के थ्रू आती है, अब ये हमें डेबिट और क्रेडिट की इंफॉर्मेशन देता है, बट बैलेंस शीट ओनली देता है हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन। उसके बाद इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर टू एंड बाय यूज करते हैं हम क्रेडिट और डेबिट साइड, टू डेबिट साइड बाय क्रेडिट साइड, बट बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही कोई बाय यूज होता है ना ही कोई टू।